हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्री की स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले स्काई से ही शुरू करूंगा। स्काई बनाने के लिए थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ग्रे टोन बना के लगा दी मैंने। तो हमारा पेपर 100% कॉटन है, तो इसमें कलर्स बड़े ही अच्छे चलते हैं, तो आप फील कर पाएंगे। थोड़ा स्काई का इफेक्ट देते हैं। तो पेपर टिल्टेड है, इस वजह से पानी नीचे को आ रहा है। देखिए इन कलर्स की ब्लेंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसके बाद अब थोड़ा सा इंडियन येलो यहाँ पे लेके थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन थोड़ा सा मैं थिक ले रहा हूँ और उसमें थोड़ा पाइन ग्रे यूज कर देता हूँ, दूसरा कोई ब्लैक कलर कुछ भी। ट्री बनाने के लिए भी बेस बनाना जरूरी है। तो ये हमारा बेस तो तैयार हो गया। तो अब एक बार पेंटिंग इसको सुखा लेते हैं। तो ये वेट ऑन वेट थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं स्काई में ट्री के लिए। अब सुखाते हैं इसको पेंटिंग को। भी देख सकते हैं हमारा आर्ट वर्क ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अभी एक डैगर ब्रश है मेरे पास, इससे ट्री बना के देखते हैं, बहुत अच्छा बनता है। पहले ही हम थोड़ा सा ग्रीन जैसा चाहिए थोड़ा वैसा बना लेते हैं, थोड़ा सा डल ग्रीन। थोड़ा सा पानी लगा के स्प्रेड कर देते हैं, सॉफ्ट करते हैं थोड़ा सा ब्लू, और स्कारलेट भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा पर्पल सा शेड, बर्न सेना भी ऐड करके थोड़ा सा। देख सकते हैं कि ट्री हमारा बनके तैयार हो गया। इसके नीचे यहाँ पे शेडोज वगैरह देने जरूरी है, उससे वो सॉलिड फील आएगा। यहाँ से लाइट दिखाई है तो इस तरफ को हम शेडोज दिखा देते हैं।
इसके लिए मैं थोड़ा सा कोई हार्ड ब्रश भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ भी थोड़ा सा तो एक बेसिक ट्री हमारा तैयार है। इसको थोड़ा सा एडवांस करना है तो इसको आप जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं आपको पता ही होगा, तो आपको लगता है कि बड़ा सॉफ्ट है तो वो थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर देते हैं। तो अभी एक ट्री दूर बनाता हूँ तो उसको मैं थोड़ा ब्लू स्टोन में बनाऊंगा, तो देख लेना उसकी कोई डिटेल नहीं। देखिए वो लगेगा कि दूर है थोड़ा, ये पर्सपेक्टिव भी आ गया और पेंटिंग भी थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। और एक ट्री बनाना है यहाँ पे थोड़ा और डिस्टेंस पे। और थोड़ा सा कुछ दिखाना है तो आप बस इस तरीके से ये देख सकते हैं हमारा एक ऑलमोस्ट एक ट्री से ही एक पेंटिंग बन गई है हमारी। तो ये कॉटन पेपर पे कलर्स खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी थोड़ा सा बंट सेना और थोड़ा ब्लैक पाइंस ग्रे लेके इसको ये हमारा आर्टवर्क तैयार है। इसको थोड़ा सा भी यहाँ से सुखाते हैं, थोड़ा जल्दी सुखाने के लिए ये कलर उठा लेते हैं, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए ठीक है, इसे सुखाते हैं एक बार फिर देखते हैं। देखिए आर्टवर्क सूख गया, अभी सिग्नेचर करते हैं। ये हमारा आर्टवर्क फाइनल हो गया। अभी मैं इसकी टेप उतार के दिखाता हूँ, और भी अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, तो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू सो मच।